कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, ये बात ला आप मन ह भली भांति जानत हो कि आज छत्तीसगढ़ ह विकास के ओर अग्रसर हावय, जेमा आप मन ह जानत हो कि कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के, जैसे हम कृषि के बात करें तो कृषि में ही कृषि क्रांति लावत हावय, नाना प्रकार के टेक्नोलॉजी लेकर के, नाना प्रकार के शोध कर करके हमारा वैज्ञानिक मन हा, हमर किसान भाई मन बर, छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बर एक से एक बीज उत्पन्न करत हावय। एकर संगे संग भारत सरकार के डहर ले विभिन्न प्रकार के योजना जेन हमर किसान भाई मन ल मिलत हावय, वो हा बड़ा ही उन्नत मार्ग के रास्ता हावय संगवारी हो, और हमर किसान भाई मन ल यह मिलत हावय। संगवारी हो, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति तो हुआ थे, लेकिन ओकर संगे संग जेन अंधाधुंध रसायन के प्रयोग हमर किसान भाई मन करत हे, अब ओकर डहर ले घलोक ओमन ला मुड़े ला लागही, काबर की आज के वर्तमान समय में जैविक खेती ही सबसे बढ़िया खेती होते। यानी कि आप मन समझ गो संगवारी हो, हमन गोट बात करबो आज गेहूँ के उन्नत खेती के, लेकिन संगवारी हो ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। पाँच से दस एकड़, दस से अधिक जो बड़े किसान हैं उनके लिए मतलब शासन की क्या क्या योजनाएं हैं, इसमें खास करके नलकूप का है। नलकूप में आप प्लाट जो है नलकूप का के लिए प्रखंड दे सकते हैं, और उसके बाद जो है उसके लिए प्लाट अपना साइज जो है ढाई से तीन एकड़ किसान का स्वयं का प्लाट होना चाहिए। इसके बाद एक ट्यूबवेल से दूसरे ट्यूबवेल की दूरी 300 मीटर से अधिक नहीं, कम नहीं होने चाहिए। और शासन की इस योजना के तहत जो है किसान श्रम वृद्धि योजना के तहत ट्यूबवेल नलकूप का कार्य किया जाता है। इसमें किसानों को सामान्य को 30,000 रुपया, पिछड़ा वर्ग को 35 और एससी एसटी को 40,000 रुपये की अनुदान दी जाती है। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से अपन के स्वागत है, और जिससे कि आज हम गोड़बात करबो, चर्चा करबो कि गेहूँ के उन्नत खेती हम कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में, और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग में हबे सफल कृषक अवधराम साहू जी। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है भैया, और जैसे कि हमारे संगवारी मन आप मतलब देखत हबे और ये जानना चाहते कि जे गेहूँ के खेती हबे, और अगर पहली हम ये जानना चाहबो कि आप लग कतेक साल हो गए खेती किसानी के बूता ला करत। मोला लगभग 20-21 साल हो गए खेती करत। जी, यानी कि 20-21 साल के एक अच्छा खासा तजुर्बा आप रखो खेती किसानी के बूता पर। हम जानना चाहबो कि पूर्व के समय यानी कि 20 साल पहली के जन खेती रही से और आज के जो खेती हावय, का अंतर आप मन हम महसूस करता हूँ? नहीं, पहली खेती में और आज खेती में बहुत अंतर है। पहली का है, एक तो सिंचाई के साधन नहीं रही से, पहली मिट्टी है एकदम उर्वरक शक्ति रही से। हम किसान मन अपन घर में 10 गाय बाड़ी रह गए हैं, रख के घर के खुद के गोबर खाद उपयोग करना, और आज के समय में रासायनिक खाद, इनमें बहुत अंतर है। पहली का है पानी के सिंचाई के साधन नहीं रहे तो गेहूं के पैदावारी कम है, ओलहा कथिन ओला ओलहा बोई। आज सिंचाई के साधन है तो अच्छा सफल खेती होत है, अभी जो वैज्ञानिक तकनीकी से होत हो में पैदावारी भी 12-13 कुंटल ये आते पर एकड़। यानी कि उत्पादन शक्ति जो हावय पहली की अपेक्षा आज बढ़ गया हावय, एकर पीछे कई प्रकार के हम कारण ला ले सकत हन, जैसे कि हम जानथन कि आजकल नवा नवा तकनीक से खेती किसानी के बूता हुआ था हावय, तो जैसे आप अपन क्षेत्र में गेहूँ के खेती लगाए हो, कैसन प्रकार की ये गेहूँ हरे और कैसन प्रकार के कतेक दिन के एकर खेती होते? ये है ऐसे हरे कि ये जैसे लगा हन तो ये सुजाता हरे और एकर पैदावारी बहुत अच्छा लगते। बीच बीच में हमन पिछले वर्ष लोक वन भी लगा के देखे, वो लोक वन की भी पैदावारी बहुत अच्छा तरीक़े से होते ऐसे है। अच्छा, और ये कतेक दिन के फसल हुई है संगवारी? ये है लगभग वही 3-3.5 महीने पक के तैयार हो जाते, अभी यह 15-20 दिन के बाद में लगभग एक अभी आखिरी सिंचाई हो है हमें, और एक बाद कटाई के अपन चालू करवो 20-25 दिन के बाद में। हाँ, तो जैसे हम कहान कि गेहूं के खेती पर
जिसे अभी बात करें कि पहली के आज के अपेक्षा में उन्नतशील गहूँ के बीज आगे हवे। हमारे जिन कृषि वैज्ञानिक मन है ओमन शोध करते कि ऐसा कैसन प्रकार के मौसम में आप मन कैसन प्रकार के बीज ल डालू तो आप मन के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा उत्पादन हो ही। एक ही परिणाम हवे यह है कि हम जैसे आप मन सुजाता लगाए हबो है ना, और एक बाद में हम यू जानना चाहबो कि ये गहूँ की जब खेती हम करना चाहते हैं तो ये आपके जो जमीन के माटी है वो कौन से प्रकार के माटी है और एक तैयारी पर आप मन का काम करे हो। यह अभी हमारे जो गेहूं लगे हुए दोमट मिट्टी है रे। अच्छा। और जैसे धान ही के फसल कटते वो कर बाद हम भूमि की तैयारी करते हैं, दो बार जोत के बोला अच्छा भुरभुरा बना के वो का बाद तीसरा जोताई करके अपन पानी पिला के मतलब बीज ले छिड़क के ही पानी पिलाते हैं। अच्छा। और मतलब मिट्टी लग बहुत भुरभुरा बनावे तो हर बीज है समान रूप से जगते हैं ऊपर से। अब जैसे अब बात करते हैं कि माटी ला हम जब भुरभुरा बना चुके हैं का शुरुआत के दौर में कोनो भी प्रकार के हम खाद के उपयोग करते हैं या कोनो भी प्रकार के खाद के उपयोग करना है या खादों का उपयोग करना है या गोबर खाद डालना है का में उपयोग करते हैं? नहीं, जैसे अपन अपन किसान के पास अगर सुविधा है तो वो गोबर खाद डाल दी से अपन कुछ और DP डालना जरूरी है वे बोए के समय कम से कम 1.5 बोरा DP। अच्छा। तेकर बाद तो फिर अपन पानी पिला के जैसे बीज जगते 20-25 दिन के होते वो कर बाद फिर पानी के नंबर आते अपन जी। तो कम से कम यूरिया डाल के अपन ये तैयारी शुरू कर देते हैं। जी जी। अब जैसे हम बात करते हैं बीज के, काबर की गेहूँ के बीज हबे और बीज ला बीजोपचार करके ही डालना चाहिए ऐसे हमारे वैज्ञानिक भाई मन कही थे, ये बीजोपचार के का प्रक्रिया है कैसे ढंग के आप मन बीजोपचार ला करते? नहीं, बीजो साफ करे से का है वो ये जो उकटा रोग लगते ना ये है नहीं लगे और गेहूं की फसल है सूखा खत्म नहीं हुआ। बीजोपचार करे के वही फायदा ज़्यादा है वे में और फंगीसाइड नहीं लगे वो में, जैसे बीच बीच में जब पौधा 4-6 इंच के होते तो फंगीसाइड एक बीमारी आ जाती वो बहुत कम लगते, एक फायदा बहुत ज़्यादा मिलते बीज उपचार से। फिर भैया हम बात करते हैं कि गेहूँ के खेती पर जब हम पानी के प्रबंधन के बात करें तो कैसन प्रकार के हमला प्रबंधन रखना उचित होना चाहिए, आप मन कैसन प्रबंधन ला करे? नहीं, जैसे हमर जगह मान लो मोटर पंप के साधन है तो अपन 10-10 फीट की चौड़ाई में जैसे पहाटा नहीं पला के क्यारी के तहत पलान उमे अब ज़्यादा गेहूँ पैदावार आते है। अच्छा। ऐसे है बेकर दो पद्धति से पलाए लगती है, तो पहाटा पला दे या तो क्यारी बला के वो ज़्यादा पलास्ता तो उमे ज़्यादा पैदावार आते, पानी की बचत भी होते वगैरह से। हाँ, तो जो समय होते गेहूँ ला हम बोए हैं जे समय में वो समय में हमला पानी के का व्यवस्था रखना है और गेहूँ के जब बढ़त स्थिति हो गई है और जब हम ला काटना है वो समय गर्मी के शुरुआत हो जा रही थे जैसे आप बता दो कि अभी 20-25 दिन के बाद में काटना है। हाँ, ये समय में हमला पानी के प्रबंधन पर का ध्यान रखना है, कितना पानी देना है, कब पानी देना है? ऐसे लगभग जैसे कभी कभी ऊपर से जैसे कभी कभी मौसम परिवर्तन हो जाते तो लगभग 3 पानी पलाए से गेहूँ लगभग तैयार हो पूरा पक जाते, या तो फिर कभी कभी बीच में ऊपर से पानी नहीं बरस पाए तो 4 पानी तक तो पलाए से लगे हैं। हाँ, तभी पूरा ढंग से पक पाई, या तो फिर वही दाना में पील खाहा जो लोग बोलते हैं वैसे हो जाते हैं। भैया बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी मन लदे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि संगवारी हो आप मन देखे हो सुने हो कि कैसन ढंग के हमारे ये संगवारी हवे तेना अपन क्षेत्र में गेहूँ के उन्नत खेती ला करत हवे, आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में गेहूँ के उन्नत खेती ल कर सकत हो। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जलवायु अलग अलग मौसम के हिसाब से हमार कृषि विस्तार अधिकारी मन भाई मन से आप मन पूछ परख करके आप मन बढ़िया सुघर बीज और बीजोपचार करके गेहूँ के सुघर खेती ल कर सकत हो संगवारी हो। लेकिन बेरा हो गया एक ठन सुघर संदेश के, तो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत करबो, आप मन देखाओ ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें, छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें, हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी,
इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। हेलो, और बताओ? बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तभी संगवारी हो, अभी आप मन देखत रहे हो सुघर संदेश ला और संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के फिर से एक बार स्वागत करत हन। और जिसे कि आप मन जानत हो कि हमन आज गोट बात करत हन गहूँ के उन्नत खेती के विषय में। और गहूँ के उन्नत खेती के विषय में और चर्चा करे बर, गोट बात करे बर सुरेश कुमार साहू जी हमारे संग में हवे। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है भैया। और जैसे कि हमारे संगवारी मन आप मन देखत हवे और जिसे हम बात करत रहे हैं कि गहूँ में बीमारी के, तो बीजोपचार से कई प्रकार के बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते, लेकिन अगर बावजूद अगर मौसम में परिवर्तन हो गए या कोनो में कोई चीज़ के कमी हो गए तो कैसन प्रकार के रोग के संभावना हो सकत है? गेहूँ में तो सबसे जैसे अपन मौसम के हिसाब से एक ठो रोग लगते इला जिला हमन बोलते हैं, जैसे फसल में पीला पीला टाइप के जो होते हैं धब्बा ओला बोलते गेरुआ रोग। गेरुआ रोग बोलते जो पैरा पैरा टाइप के कर देते जो 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 बीमारी थे, तो जैसे ओमें अब वो बीमारी ला दूर करे बर हमन हाँ जैसे कोई अनुभवी किसान है या फिर अपन कृषि विस्तार अधिकारी से अपन जानकारी लेते हैं। अच्छा। तो वो है उसके हिसाब से अपन जैसे दवाई के उपयोग करते हैं। दवाई के उपयोग में जैसे ओला फंगीसाइड के रूप में आते हैं, वो दवाई के नाम है मैंकोजेब और कार्बेंडाजाइम। वो दवाई के अपन इसमें उपयोग करते हैं, बढ़िया अपन फसल ला बचा के रखते हैं, बीमारी से बचा के रखते हैं। जी जी जी, बहुत सुगर बात है भैया। और एक संगे संग जिसे हम बात करें कि बीमारी लग गया और बाद में हम एक निदान लग भी कर दे हैं, अब बात आते है कि एमा कोनो प्रकार के निंदाई गुड़ाई के भी हम साधन ला करते हैं,
तो कैसन प्रकार के अगर खरपतवार के नियंत्रण करते हो? एमें तो वैसे निंदाई गोड़ाई तो जैसे विधि विधि अनुसार बोबे तो लगते हैं। जैसे आजकल तो सरकार की योजना भी है या दूसरा चीज़ जो किसान मन अपनाना चाहिए कि कोई भी जैसे जला हरित क्रांति बोलते जैसे कि आज का अभी आए जो सीड ड्रिल के हिसाब से अगर खेती करबे तो हमें क्या फसल के पैदावार भी अच्छा रही और फसल के पैदावार के साथ साथ हम मतलब अच्छा मुनाफा मिल जाते। और दूसरा चीज़ जैसे फसल अभी अपन गेहूँ लगाए हैं ना तो उनमें जैसे खरपतवार निदान के लिए कोई दवाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं शुरू में जैसे बीज डाल के जैसे पानी पिला था उस समय ओकर से जैसे खरपतवार है वो नियंत्रण मिली थे। जी जी। और जैसे आप बताओ कि सीड ड्रिल के हम अगर इस्तेमाल करें तो ओमा हमला खरपतवार नियंत्रण में बहुत सहायता होते है और अच्छा से अच्छा खरपतवार नियंत्रण हम कर सकते हैं। हमारे गेहूँ के जन खेती हवे तेन ला हमला काटना है अब हमारे समय हो गया हवे वो समय हमला कैसन कैसन प्रकार के तैयारी करना रही कतिक दिन हमला खेत ला सुखाना रही का करना का उद्यम करना रही? वैसे तो ये गेहूं की फसल है 115 दिन की फसल है तो इसमें 21 से 21 दिन के अंदर पानी पलाना रहते जिला हम मतलब 2 से 3 से या 4 बार पानी लगते तो जैसे हम मतलब जैसे गेहूं के जैसे जिला गरा बोलते हैं गरा जे बाली बाली निकल गए उसके बाद ना 20 से 25 दिन बाद बाली निकले के बाद 10 दिन तक इसमें नमी रहना जरूरी है ताकि जे बाली के साथ साथ जो अपन दाना है वो मजबूत रहते जेकर से जो दाना है अच्छा पक जाते हाँ। और इकर अलावा जैसे हम बात करें कि गेहूं का हमला अब सीधा सीधा कटाई करना है या एक भंडारण करके रखना है वो समय हमला काका बात के ध्यान विशेष रूप से रखना है जैसे एकल भंडारण करना है ओकर लिए इसमें नमी नहीं रहना चाहिए जिसे जैसे मिंजाई करना है मिंजाई के समय ना जैसे जमीन में अगर नमी रही तो बीज में जैसे मिट्टी वगैरह ही ओकर से कहीं बीमारी लगते है कोई प्रकार की बीमारी मत लगे एकल लिए पहले खेत ले सुखाते हैं सुखा के बाद मिंजाई करते हैं मिंजाई करे के बाद एला भंडारण के लिए मिंजाई करे के बाद एला धूप में सुखाया जाते जेकर से बीज है पूरा परिपक्व हो जाते पक जाते बढ़िया ओकर से बीमारी उमारी से भी दूर बढ़िया हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी मतलब दे हो एक बार और संगवारी हो आपन देखे सुने कि हमारे किसान भाई मन अपन अपन क्षेत्र में वैज्ञानिक रीति ले और बढ़िया जानकारी ले लेकर के सुघर अपन खेती बाड़ी के बूताला करत हवे आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में अच्छा जानकारी के संग में खेती बाड़ी के सुघर बूताला करो यही हमारे शुभकामना है। और बेरा हो गया एकदम सुघर गीत ल सुने के संगवारी हो गीत के बाद फिर चर्चा करबो कि हम हाँ गेहूं के खेती में और का विशेष रूप से काम ला कर सकत हवन आप मन देखो ये गीत ला मैं तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा नांगर बैला मन संगवारी मो मैं तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा मैं तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा नांगर बैला मन संगवारी तो नांगर बैला मन संगवारी तो हमन बोएला जाबो धान संगी हो गे गा बिहान हमन बोएला जाबो धान संगी हो गे गा बिहान संग म धर ले संगी नांगर बैला तो तै तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा तै तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा नांगर बैला मन हसंगवारी तो नांगर बैला मन हसंगवारी तो नांगर बैला धर के जाते नांगरी हा किसानी गा नांगरिया किसानी गा नांगरिया किसानी गा नांगर बैला धर के जाते नांगरी हा किसानी गा नांगरिया किसानी गा नांगरिया किसानी गा चूर मिल मेहनत करे थे लइका औ सियाने गा लइका औ सियाने गा लइका औ सियाने गा चूर मिल मेहनत करे थे लइका औ सियाने गा लइका औ सियाने गा संगीतहू धरले रापा जाके बिन बेतहू काटा संगीतहू धरले रापा जाके बिन बेतहू काटा काम बूता कर ले घर के संगीत तै तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा नांगर बैला मन हसंगवारी तो तै तो छत्तीसगढ़ किसान के गा बेटा नांगर बैला मन हसंगवारी तो
खेती हमारे रोजी रोटी खेती है मितानेगा खेती है मितानेगा खेती है मितानेगा खेती हमारे रोजी रोटी खेती है मितानेगा खेती है मितानेगा खेती है मितानेगा कैसे करबो खेती एला हमन गायन जानेगा हमन गायन जानेगा हमन गायन तो भाई संगवारी हो कैसे रही समर मन के गीत संगीत हा आप मन ला जरूर बने लागी सो ही हमर गीत संगीत हा संगवारी हो आप मन जिसे आज हमर चर्चा चला रही से कि गेहूं के उन्नत खेती पर हमन हा कैसन कैसन प्रकार के उद्यम करन और यही विषय में हमर विशेषज्ञ बन के आज आया हवे हरीश कुमार साहू जी जैन कृषि विकास अधिकारी हवे और हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि और रीति के तो जिसे हम बात करें वैज्ञानिक विधि और रीति के तो हम लोग गेहूँ के फसल लगाए बर कौन से विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा होते। सबसे पहली तो ये है कि बीज के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीज प्रमाणित होना चाहिए विपुल उत्पादन वाला होना चाहिए। इसमें बहुत सारे किस्म है जिसमें पहली है सुजाता है लोक वन है ये चाहे 2236 है ये बहुत से वैरायटी है जेको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलते अच्छा एक साथ ही साथ पहली तो बीज उपचार करना आवश्यक है कार्बेंडाजिम है या बाविस्टीन से 100 ग्राम प्रति एक एकड़ के हिसाब से ओकर बाद कल्चर है पीएसबी कल्चर ओला मिला के बोना चाहिए ओकर से जो स्फूर की मात्रा है जो जमीन से हमारा पौधल मिलते फिर हाँ हम बात करते हैं कि कैसन प्रकार के विधि होना चाहिए कि जैसे कि हम सीड्रिल से घलोक बोथन छिटनी बोनी घलोक बोथन कौन से विधि बहुत सर्वोत्तम हो ऐसे बोनी तो लाइन स्विंग बहुत बढ़िया है कतार बोनी जो सीड्रिल से होते पहली किसान मन हाँ छिड़का बोए छिड़का में कोई जगह जगह थे कोई नहीं नहीं जगह थे और बीज भी ज़्यादा लगना है सीड्रिल जैसे बोए थे उसमें खाद के और बीज दोनों एक साथ गिरते है ना और सीड्रिल है उसमें आजकल 20 किलो भी लगते और 25 किलो भी लगते हमें कम से कम 20 किलो एकड़ में लगते वह और लाइन के लाइन रहते जगते बढ़िया और एकड़ जो दिशा है पूरब और पश्चिम होना चाहिए ताकि सुबह से शाम तक सूर्य की रोशनी मिले वाला ओकर से क्या बढ़वार वगैरह भी बहुत बढ़िया रहते फिर हाँ। यानी कि कहा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण संगवारी हो यही लकई थे जैसे हमारे कृषि विकास अधिकारी भैया बताई से कि पूरब से पश्चिम की ओर रहना चाहिए ये कर रीजन का है पूरब से पश्चिम को रहना चाहिए एक वैज्ञानिक कारण घलोक आप मतलब बताई से वह कि एक से लगातार हवा के प्रवाह रही और रोशनी प्रकाश मिलत रही बहुत सुघर बात बताया भैया और ऐसे ही कई प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते गेहूं के खेती में और कौन कौन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बात तो है कि खाद की मात्रा पहली किसान मन खाद ओल्हा बोए ओल्हा बीज ला डाल दिए चल दिस कहीं जरूरत नहीं है कुछ डाले की उत्पादन भी बहुत कम मिले आजकल पानी के साधन हो गए है तो बोने के समय 40 किलो डीएपी एकड़ में आवश्यक है ओकर बाद सीडली से स्प्रिंकलर से पानी पला दिस पानी पलाए के पहली वाला यूरिया डालना है यूरिया दो बार डालना है 20-20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एक तो यदि किसान के पास पर्याप्त पानी है तो हर 21 दिन में पानी पलाना आवश्यक है नहीं तो पानी की जैसे है वो हिसाब से फिर उसमें डाले पड़ेगी दो दिन के पानी है दो बार के पानी है एक जर्मिनेशन के समय अब एक गभोट स्टेज में दो पानी है तब तीन में है तब अंकुरण के समय कंसा के समय अब गभोट स्टेज पर्याप्त पानी 21-21 दिन में पलाही तो भरपूर उत्पादन मिलना है फिर बहुत सुघर बात लग बताया हो आप एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भैया और जिसे कि संगवारी हो आप मन देखे सुने कि हमारे क्षेत्र में कैसन प्रकार के हमारे किसान भाई मन हाँ अपन अपन क्षेत्र में सुग्घर सुग्घर फसल लेवत है और जिसे हम बात करें ना आज गेहूं के फसल के तो हमारे किसान भाई से हमन गोट बात करें हमारे संगवारी मन से हमन गोट बात करें तो संगवारी हो आप मन भी देखे सुने कि हमारे जिन गेहूँ के खेती हवे तेन लग कैसे कैसे आप मतलब कौन कौन से प्रकार के उद्यम से करना है ये जम्बो गोट बात आप मन है याद रखू संगवारी हो अब बेरा हो गए है हमार जाए के तो जाए के पहली आप मन है हमार चिट्ठी पत्री के माध्यम ला तो जाना था वो हमार चिट्ठी पत्री के पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007 संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता है प्रोग्राम DDK रायपुर @ yahoo.com
तो आपन हमला पत्र लिखाओ, ईमेल कराओ, आप मन के पत्र के ईमेल के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही संगवारी हो। तब तक बर जय जोहार।